आज हम देखते हैं, आज हम अगला प्रोग्राम बनाते हैं और इसमें देखते हैं कि हम किसी स्ट्रिंग है हमारे पास, किसी स्ट्रिंग को हम उसे करेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग से कन्वर्ट करना है हमें करेक्टर में, और इसके बहुत सारे वेज हैं। ठीक है, तो हम कुछ दो तीन तरीके आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमारा ये काम करता है। ठीक है, तो हम इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं अभी, और हम जैसे कि कोई एक लाइक हमारे चैनल का नाम है जावा, ठीक है, बेसिक जावा पॉइंट, तो इसको हमें करेक्टर में करना है। एक एक करेक्टर अलग अलग हमारे आने चाहिए किसी एक एरिया से अगर हम करते हैं तो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, ओके, हम एक क्लास बनाते हैं, क्रिएट करते हैं पहले, और क्लास का नाम हम समथिंग कुछ ऐसा रख लेते हैं कि अच्छा, इसको हमें बनाने के लिए दो तीन वेज का जो मैं बता रहा हूँ, पहले अभी हम कर एट नाम का मेथड होता है, हम उसका यूज़ करके बनाएंगे आज। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं कि स्ट्रिंग टू कर नाम का हमने मेथड बना लिया, इसमें वेज वन लिख दिया हमने। ठीक है, तो अभी हम इसमें इस नाम की क्लास हमने क्रिएट किया, और अब हम इसमें प्रोग्राम लिखते हैं कि कैसे किसी स्ट्रिंग को कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम एक स्ट्रिंग देते हैं पहले, स्ट्रिंग str कर लिया हमने, वेरिएबल डिफाइन कर लिया, यहाँ पे दे दिया हमने जावा, सॉरी बेसिक जावा पॉइंट, ये बेसिकली मैंने अपने चैनल का नाम दे दिया। ठीक है, और फिर इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हमें निकालने के लिए पहले हमें इसकी लेंथ की चाहिए। ठीक है, तो हमें लेंथ निकालने के लिए हमने एक ले लिया, यहाँ पे एलियन कर लिया हमने, और इसको str से हम निकाल के लेंथ निकालते हैं इसको। ठीक है, डायरेक्टली हम अलग अलग करते हैं, ये एक साथ भी हम कर सकते हैं चीज़ें। ठीक है, तो हम अभी सिंगल सिंगल चीज़ें करते जा रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आए स्टेप बाय स्टेप क्या कैसे वर्किंग हो रही है इसकी। ठीक है, तो अभी हम एक कैर वैल्यू लेते हैं, एरे लिया हमने, अब इसमें हम कुछ भी इसका डिफाइन कर दिया हमने वेरिएबल। ठीक है, अब इसको एक न्यू कैर में रख लेता हूँ मैं, न्यू कैर में इसकी जितनी भी लेंथ आएगी हमारी ना, इस लेंथ को हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे पहले। ठीक है, इस लेंथ को डिफाइन करने के बाद हम कोई सा भी एक लूप लगाते हैं। ठीक है, एक लूप लगा लेते हैं हम यहाँ पे, और आई कस्टू 0 कर लिया हमने, ओके, और आई हमने लेंथ ऑलरेडी निकाला हुआ है तो हम उसी को ले लेते हैं। ठीक है, आई प्लस प्लस कर दिया हमने, एक लूप लगा दी, करेक्ट है, सही है अभी तक प्रोग्राम हमारा, अभी हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जो ये वेरिएबल ले रखा है कैर की, ठीक है, इसमें आई की वैल्यू हमेशा हमारी वन बाई वन आती रहेगी, और इसको स्टोर कर लेंगे हम फ्रॉम ये str डॉट, हमारी जो मेथड आती है कैरेक्टर के लिए कैर। ठीक है, अब इसमें आई की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, डन, यहाँ तक ठीक है। अब ये हमारी वैल्यू जो भी लिस्ट में आएगी ना, वो सारी सारी हमारी ये कैर एट में स्टोर होता रहेगा हमारा। ठीक है, तो अब हम प्रिंट कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस मेथड को SOP कर लिया हमने, और यहाँ पे लिख दिया हमने कि कन्वर्ट स्ट्रिंग टू कैरेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हम मेथड डिफाइन करते हैं, हमारा क्या मेथड से हमारा ये कन्वर्ट करेगा, हम एरे लेते हैं। ठीक है, यूटिल वाली लेनी है हमेशा, यूटिल वाली क्लास की। ठीक है, डॉट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग करना है हमें, और इसमें टू स्ट्रिंग करने के बाद हमने जो कैर वाली वैल्यू ले रखी है यहाँ पे, उसको यहाँ पे दिखा देनी है हमें, ऐड कर देनी है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एक ही चीज़ बोली तो मैं प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे SOP लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे लेंथ देखते हैं कि क्या है लेंथ इसकी। ठीक है, स्ट्रिंग
स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पे हम डिफाइन कर लिया,